नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शहर में देर रात हुई बारिश ने नगर निगम सहित पार्षद के कामों की पोल खोल कर रख दी। जहां एक तरफ सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ शहर को स्मार्ट सिटी का नाम देने की बात कर रही हैं, तो वहीं दक्षिण क्षेत्र के जरौली फेज टू इलाके में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी व क्षेत्रीय पार्षद पूरी तरीके से पलीता लगाते हुए कुंभकर्णी नींद सो रही हैं। कोविड-19 के चलते शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत महापौर प्रमिला पांडे डुगडुगी बजाकर अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी व क्षेत्रीय पार्षद पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी पलीता पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में रहने वाले इलाकाई लोगों ने बताया कि अभी तक वार्ड में न तो साफ सफाई कराई जा रही है और न ही पार्षद क्षेत्र की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते इलाके में रहने वाले लोगों को ही देर रात हुई बारिश से घरों में भरे पानी को खुद निकालने के लिए नाला नाली की सफाई करनी पड़ रही है। लेकिन गंदगी अधिक होने के कारण क्षेत्र की जनता सरकार को कोस रही है और इलाकाई लोगों को एकजुट होकर स्वयं ही सफाई करनी पड़ रही है। वहीं क्षेत्र में न तो सड़क व्यवस्था है और न ही नाली सफाई की व्यवस्था, जिससे घर से निकलने वाले गंदे पानी को इलाकाई लोगों के द्वारा बनाए गए टैंक के माध्यम से अपने घरों के सामने बनाए गड्ढे में भरना पड़ रहा है। वहीं भर जाने पर खुद ही साफ करना भी पड़ जाता है। वहीं इलाकाई लोगों ने बताया कि अगर जल्द ही पार्षद या नगर निगम के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो पूरा इलाका रोगयुक्त हो जाएगा। हमारा नाम आकांक्षा अवस्थी। कहाँ रहते हैं आप? जी, यहीं जरौली फेज टू। क्षेत्रीय पार्षद आपके क्या नाम? संतोष साहू। अच्छा, क्या सफाई को लेके आप कहेंगे? जिस तरीके से लोग स्वयं नालियों को साफ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहें, क्या सर, इतनी गंदगी आप खुद ही देख रहे हैं कि गंदगी के पीछे रहना दुश्वार है। आदमी खुद नाली ना पानी का निकास है, ना सीवर लाइन है, सड़क की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। हम लोग खुद ही सफाई करते हैं, कितनी सफाई की जाए। पार्षद से बोलो, पार्षद सुनते नहीं। सरकार तो कहती है कि हमारे यहाँ सरकार गड्ढा मुक्त करता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहेंगे, आप देख तो रहे हैं स्थितियाँ। सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस केवल एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लिख लिख के हम लोग थक गए हैं। हर तरीके से हम लोगों ने सतीश महाना जी के पास भी जाके जाने कितनी बार बात की है, कोई निर्णय नहीं निकल रहा। यहाँ पर नाली की जो व्यवस्था, पानी का निकास आप लोग किस तरीके से व्यवस्था बनाई आप लोगों? स्वयं सोखता खोदे हैं, स्वयं कहीं गड्ढा बनाए हैं, सड़कों पे पानी बह रहा है, आप देख तो रहे हैं स्थितियाँ। क्या नाम है आपका? सर दीपक श्रीवास्तव। कहाँ रहते हैं दीपक जी? सर जरौली फेज टू वार्ड ब्यासी। कौन क्षेत्र है आपका? सर ये वार्ड ब्यासी है। पार्षद कौन है? पार्षद श्री संतोष साहू जी। यहाँ क्षेत्रीय के लोग खुद नाली साफ कर लेते हैं, ऐसा क्या? सर समस्या ये है कि यहाँ के पार्षद हमारी सुनना नहीं चाह रहे हैं। हाँ। और हम लोग सड़क निर्माण के लिए अपने क्षेत्रीय विधायक और उप मंत्री सतीश महाना जी के पास गए। मैं स्वयं 9 बार गया हूँ उनके पास एप्लीकेशन लेके। उन्होंने हर बार आश्वासन दिया कि 15 दिन में सड़क बनेगी। क्या लगता है कोरोना काल में सफाई को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा, सड़कें बराबर की जा रही, पानी जल भराव दूर किया जा रहा, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है अभी तक? सर विकास के नाम पे आप खुद ही देख सकते हैं, सड़क पे कुछ बना तो है नहीं, चारों तरफ पानी भरा है, सड़कें हैं नहीं। हम लोग घर से पता निकलते हैं तो पैंट एंड ऊपर करके, क्योंकि निकलना भी मुश्किल है। स्कूल कॉलेज तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पानी भरने के बाद हफ्तों हम लोग घर के अंदर कैद हो जाते हैं। आने वाली 2022 के चुनाव में सरकार को किस तरीके से अपना दावा पेश करेंगे कि आने वाली सरकार में क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा बस यही कहना है कि हम जैसे सरकार को लेकर आए थे, हम फिर से उन्हीं को लाना चाहेंगे, लेकिन जब उनका काम बोलेगा। हवा में बातें होंगी तो नहीं होगा। अभी तक कितनी हवा हवाई हुई, कितना विकास हुआ है? सर विकास तो आप खुद ही देख रहे हैं ना कि पानी कितना भरा है। आपने क्षेत्रीय पार्षद को एक बार शिकायत की किस तरीके से कोरोना काल चल रहा? क्षेत्रीय पार्षद का कई बार हम लोगों ने गली में स्वयं अभिनंदन किया है, अपने घर पे बुलाया, चाय नाश्ते पे बुलाया, हाथ भी जोड़ा, विनती भी करी, प्रार्थना भी करी उनसे। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि बगल में कोई बीजेपी के कुछ लोग हैं तो वहाँ तक सफाई होती है क्या? सर अब ये तो नहीं बता कह सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उधर उनके काम हो रहा है, क्योंकि उधर की सड़क बन चुकी है। आज कुछ लोग मोहल्ले के बाहर जो क्षेत्रीय सफाई कर रहे थे, क्या कर्मचारी आज नहीं आए थे कि आते हैं कि नहीं आते? सर यहाँ कर्मचारी आते ही नहीं है। तो आज क्षेत्रीय लोग सफाई, यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक बार कभी वो मच्छर भगाने वाली गाड़ी आती है, वो भी कब आई और कब निकल गई कोई देखता भी नहीं है। इस गली में आए नहीं मालूम, मेरी गली में तो नहीं आते। क्या क्षेत्रीय पार्षद आपके क्षेत्र में एक बार आए? पार्षद जी आते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं आते, लेकिन आते हैं और वो ये सब माहौल खुद ही देख के वो यहाँ से बस आश्वासन दे के निकल जाते हैं। ठीक है। पिंटू सचान। कहाँ रहते हैं पिंटू सचान जी? यही बगल में घर आई है। अच्छा, कौन से क्षेत्र में रहते हैं आप? ये जरौली फेज टू। कौन है आपके इस क्षेत्र के पार्षद? संतोष साहू जी। अच्छा, आप नाली स्वयं साफ कर रहे थे, ऐसा क्यों? अब बारिश हुई है तब
पानी निकल ही नहीं रहा है। क्या बारिश के पहले कोई सफाई हुई थी? कोई सफाई नहीं। कोरोना काल में कोई सफाई नहीं? कोई सफाई नहीं। क्या कहेंगे इसी तरह की बीजेपी सरकार, गड्ढा मुक्त सरकार, नाली सुरक्षा सारी व्यवस्था कर रही है, क्या लगता है आपको सरकार के बीच में? अब क्या बताएं सर, बाबा जी तो बड़े बड़े करते हैं, ये सफाई है और ये है, खुले में शौचालय ना जाइए ये वो, लेकिन अब आपके सामने है, देख लीजिए सब लोग मिलके पूरे मोहल्ले वाले सफाई कर रहे हैं। अभी तक आपने पार्षद को शिकायत करी है इसके बारे में, साफ सफाई को लेकर? सब उनको कईयों बार की गई है। ये सब रोड भी खराब है, इसके लिए भी कहा गया है, सब सब मालूम है, सतीश माना जी को भी मालूम। आपके गली में सफाई कर्मचारी आते हैं झाड़ू लगाने? आते हैं, बस वही कोने तक आते हैं। कोने तो किसका मकान है? वो जसवाल जी हैं, बस वहाँ तक आते हैं। क्या है जसवाल? वो मंडल अध्यक्ष है बीजेपी।